हेलो दोस्तों, आज हम इस मकान की वायरिंग करने वाले हैं। हमने इसकी फिटिंग को एक महीने पहले पाइपों को दबा के गए थे, उसके बाद में इसकी टाइलें वगैरह लग के काम चल रहा था, इसकी वजह से आज हम इसकी पूरी वायरिंग करने वाले हैं, यहाँ से बात तक एमसीबी बोर्ड तक। बाकी हमारे जितने पॉइंट छोटे हैं उन सब पॉइंटों पर हम लोग आज पूरी वायरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे मॉड्यूल बॉक्स लगे हुए हैं, इनमें पूरी वायरिंग करेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा एमसीबी बोर्ड, ये हो गया पानी की मोटर का। अब इसमें हम पूरी वायरिंग कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये किचन हो गया, लेटरिन बाथरूम हो गया, जितने भी पॉइंट हमने बनाए थे सारे में हम वायरिंग करेंगे। तो ये हमारे यासिन भाई है, ये अपने औजार बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमारा सामान इन कार्टून में और पैक किया हुआ है, पूरा पूरी एसेसरी है, वायरिंग है। तो दिखाते हैं हम आपको कंप्लीट वीडियो। वायरिंग करने से पहले हमारे इन मॉड्यूलर बक्सों में सीमेंट एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको हटाकर साफ करेंगे। एक्स्ट्रा पाइप है उनको भी कटिंग करके साइड को एकदम क्लियर करने के बाद में वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे यासिन भाई इसको क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि चतोने के बाद में इसकी लिपाई हुई, लिपाई में मसाला अंदर चला गया लिपते समय, तो इसको क्लीन करेंगे सभी डब्बियों को और फैन बॉक्स को, सभी को क्लीन करेंगे फिर वायरिंग डालेंगे। वायरों के गट्टों को हमने बीच में से निकाल लिया है, और इनके सेंटर में से हमने न्यूट्रल और फेस का वायर बाहर निकाल कर हम एमसीबी बोर्ड से सीधा इस फैन बॉक्स में लाएंगे, और फैन बॉक्स से हम आगे इस रूम में जाएंगे, और रूम से बाकी का कनेक्शन पूरा इधर से हम आगे से आगे जॉइंट करेंगे दोनों रूमों में, और दोनों किचन में लैटरिन बाथरूम में सारी की सारी सप्लाई हमारी इस फैन बॉक्स से होकर आगे जाएगी दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं वायरिंग डालना। तो यासिन भाई ऊपर चढ़ के वायरिंग को डालते हैं। पहले इस हुक बॉक्स से आप स्प्रिंग डालो, मैं वायर को उधर से सामने से आपको अटका के देता हूँ। स्प्रिंग ले लो पहले, फैन बॉक्स में से स्प्रिंग को डालकर सीधा एमसीबी बॉक्स तक ये स्प्रिंग आने वाली है। वहाँ से मैं सीधा वायरिंग, ये डब्बी वाली पाइप है, डब्बी वाली, ये डब्बी में आ रहा है, डब्बी वाली पाइप डालो, दूसरी वाली पाइप में डालो। हाँ ये होगी दोस्तों हमारा सीधा एमसीबी बोर्ड। तो दोस्तों हमारी स्प्रिंग यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा सीमेंट अटका हुआ है, इसको कटिंग करके हम साइड में करते हैं। हमारा राज भी एमसीबी बॉक्स में ये आए हुए पाइप इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि एमसीबी बॉक्स में एमसीबी अड़ ना जाए इसलिए। तो अब हमारी स्प्रिंग हमने कटिंग कर दी है, ये देखिए दोस्तों हमारी स्प्रिंग आ चुकी है, मैं आपको नज़दीक में ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी स्प्रिंग ये आ चुकी है, उधर से यासिन भाई ने डाली थी। अब मैं इसमें वायरों को जॉइंट कर देता हूँ, ताकि यासिन भाई उधर से खींच लेंगे हमारे फैन बॉक्स में से। ये देखिए दोस्तों हमारे वायर इस स्प्रिंग पर ऐड हो चुके हैं, अब हम फैन बॉक्स में से वापस इस वायर को खींचेंगे। ये हमारी मेन लाइन है न्यूट्रल फेस की, जो सारे रूमों में हमारा न्यूट्रल फेस यही जाने वाला है। तो हाँ खींचो, तो हमारे यासिन भी उधर से खींचो, खींच दो, तो हमारा वायर आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने। अब हम सामने के रूम में स्प्रिंग को डाल रहे हैं, सामने के रूम स्प्रिंग को डाल रहे हैं दोस्तों। हाँ आ गई स्प्रिंग, आ गई। तो ये देखिए दोस्तों हमारी फैन बॉक्स में स्प्रिंग आ चुकी है। अब हमारे यासिन भाई इस बॉक्स में से स्प्रिंग डालेंगे, और आगे से मैं उन वायरों को स्प्रिंग में ज्वाइंट करके दूंगा, ताकि ये वायर सीधे यहाँ तक आ जाए रूम तक। तो हमारे यासिन भाई ऊपर चढ़कर स्प्रिंग को डाल रहे दोस्तों, देखिए अब ये स्प्रिंग सीधी हमारे बाहर के फैन बॉक्स में आने वाली है। तो मैं ऊपर चढ़ के इन वायरों को ऐड करता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी स्प्रिंग आ चुकी है, ये देखिए दोस्तों। तो अब हम इसमें वायर को इस फैन बॉक्स में से इन वायरों को इस स्प्रिंग में, स्प्रिंग ज़्यादा डाल दी क्या आगे की पाइप में चली गई थी। ये देखिए दोस्तों हमारी स्प्रिंग, और इसमें अब हम इन वायरों को जॉइंट कर देते हैं दोस्तों।
और दोस्त हमने वायर को देखिए दोस्त हमारा वायर रुक 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 गांड आ रही सीधा करने थे। हाँ धीरे धीरे जाने थे गांड आए जब रुक जाना। हाँ एक मिनट रुकना 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 सीधा करने थे गांड आ जाएगा। हाँ खींचो खींच दो आ गया भाई। ये देखिए दोस्त हमारी मेन लाइन अंदर रूम में पहुँच चुकी है। ये देखिए दोस्त हमारे रूम में मेन लाइन न्यूट्रल फेस की आ चुकी है। अब यहाँ से हम इस न्यूट्रल फेस की लाइन को स्विच बॉक्स तक लेकर जाएंगे और फिर सारे पॉइंटों को यहाँ से हम स्विच बॉक्स तक लेके जाएंगे। दोस्तों ये सामने स्विच बॉक्स है हमारा, इसमें से स्प्रिंग डाल रहे हैं। आठ मॉडल के बोर्ड में भी स्प्रिंग डाल दी हमने। सामने हमारा ये चार मॉडल का बोर्ड था इसमें वायर आ चुका है मेन लाइन का। अब आठ मॉडल में हमने स्प्रिंग डाल दी है, उसका भी कनेक्शन हम फैन बॉक्स में से इसके साथ में हम फैन का भी वायर निकाल रहे हैं दोस्तों। हमने फैन के लिए ब्लैक वायर जो हमारा 1 mm का है ये भी मेन लाइन के साथ में हम खींच लेंगे ताकि हमारा पॉइंट सीधा मॉड्यूल बोर्ड में आ जाएगा। फैन तक का हमारा कनेक्शन कंप्लीट। और ऊपर ये होल्डर लगे दो डब्बी लगी हुई है, इसमें हमारे एक होल्डर और सीलिंग एक सीलिंग रोल लगेगा ट्यूबलाइट के लिए। इसके भी दो वायर हम यहाँ से बोर्ड तक ले आएंगे दोस्तों। तो हमारे यासिन भाई ने यहाँ पर तीनों वायर अटैच कर दिया, न्यूट्रल फेस और एक फैन का पॉइंट का बॉक्स वायर है पॉइंट का। तो ठीक है दोस्तों हम खींच देते हैं वायरों को। तो दोस्तों हमारे वायर आ चुके हैं हमारे फैन का और वो न्यूट्रल फेस है। तो हमारी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर पास में हमने 6 मॉडल का बोर्ड लगाया, इसमें हमारे LED वगैरह लगाने के लिए ये हमने बोर्ड इसके 8 मॉडल के पास में लगाया है। तो इसकी तो वायरिंग इस बोर्ड में से ही हमने पाइप डाली हुई है, तो ये तो हम वहाँ से डाल देंगे वायर, स्प्रिंग का भी काम नहीं यहाँ पर। तो हमारी वायरिंग इस कमरे की न्यूट्रल फेस कम्प्लीट आ गई MCP बोर्ड से। अब हमारा फैन का न्यूट्रल का वायर यहाँ से हम मेन लाइन में से लूपिंग कर रहे हैं और पॉइंट का हमारा बोर्ड तक चला गया है। तो लूपिंग करके इस पर अच्छे से टैप लगा देंगे दोस्तों। तो आपको दिखाते हैं हम फैन का न्यूट्रल का वायर, हम फैन बॉक्स से ही लूपिंग कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा फैन का वायर लूपिंग हो चुका है और पॉइंट हमारा नीचे आ चुका है। तो ये हमारे दो फैन के वायर कम्प्लीट अटैच हो चुके हैं। तो दिखाते हैं हम आपको आगे की वायरिंग का। हमारे फैन की वायरिंग के बाद में हम सीलिंग रोज और होल्डर के लिए वायरिंग कर रहे हैं। ये हमारे 3 पॉइंट है, फैन और सीलिंग रोज और एंगल होल्डर, ये तीन पॉइंट हमारे 8 मॉडल बोर्ड में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको लगातार बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको पूरा वीडियो एकदम क्लियर बता रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं। आप भी अगर नए नए हैं लाइट फिटिंग में तो हमारे वायरिंग का तरीका देखकर आप बहुत ही आसानी से इन वायरिंगों को कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको आगे स्विच वगैरह कनेक्शन करके भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कंप्लीट मॉड्यूलर प्लेटों को लगाकर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, वो भी इस काम को हमारे वीडियो को देखकर सीखेंगे दोस्तों। तो हम पूरी फिटिंग करके आपको कंप्लीट वायरिंग के साथ चालू करके टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। हमारा वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। तो हमारे देखते रहिए आगे का वीडियो, हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो अब हमारे सीलिंग रोज का और एंगल होल्डर की वायरिंग हो चुकी है। अब हम इसमें होल्डर और सीलिंग रोज दोनों कनेक्ट करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर राउंड रिंग है, ये राउंड रिंग हम इन पर लगाकर कस देंगे। कसने के बाद में हम होल्डर और सीलिंग रोज इन पर अटैच करेंगे दोस्तों। तो हम आपको दिखाते हैं पूरा करके। दोस्तों अब हम इन बोटों में स्विच वगैरह फिटिंग कर देते हैं, फिर इसकी वायरिंग करेंगे और इनको आपको इंस्टॉल करके बताएंगे दोस्तों। तो हम इनको फिट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। इन खटकों को सीधा नाम देकर सीधा लगाना है, उल्टा सीधा नहीं लगाना है। इनके पीछे नाम लिखा हुआ है, उसको नाम को देख ले आप और सीधा देख कर लगाए ताकि गलत ना लगे। ये हमारा रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर हो गया ये, और एक हमारा इंडिकेटर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सारे स्विच और सॉकेट इंडिकेटर और फैन रेगुलेटर को मॉड्यूलर में सेट कर दिया। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे, वायरिंग करने के बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे मॉड्यूलर बॉक्स में। वायरिंग करके हम आपको वो भी बताएंगे। तो दोस्तों अब हम इस मॉड्यूलर को मॉड्यूलर बॉक्स में सेट करेंगे, पहले इसकी वायरिंग करेंगे
फिर इसके स्क्रू कसेंगे। इससे पहले हम इसकी प्लेट को हटा लेते हैं। ये प्लेट हट गई दोस्तों हमारी। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो पहले इसमें हम वायरिंग के टुकड़े पड़े बात एक मिनट रोको। तो दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। तो इसकी वायरिंग ये देखिए सीधा बोर्ड है दोस्तों। अब पहले हम सॉकेट में वायर जोड़ देते हैं फ्यूज का, और इसके साथ में एक हम इंडिकेटर का भी वायर ऐड कर लेते हैं ताकि हम फ्यूज ऑन करें तो इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा सॉकेट का। तो ये हम इंडिकेटर और फ्यूज का वायर इसमें ऐड करके सॉकेट में लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर के साथ में सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। अब इस सॉकेट का कनेक्शन हम स्विच में जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट सॉकेट का। अच्छे तरीके से वायर को छील के अंदर डाल के लूज कॉन्टेक्ट नहीं रहना चाहिए टाइट कसे ताकि वायरिंग गर्म ना हो लूज कॉन्टेक्ट से। और हमारा ये इंडिकेटर का दूसरा वायर हम न्यूट्रल में लगाएंगे इधर, तो उधर हम न्यूट्रल का वायर जब कनेक्शन करेंगे जब आपको जोड़ के दिखाएंगे दोस्तों। अब हमारे ऊपर के भाग का कनेक्शन करते हैं। ये खटका उल्टा सेट हो गया, इसको सीधा करना पड़ेगा। नाम पे ध्यान नहीं दिया, ये नाम सीधा। तो ये हमारे स्विच हो गए एकदम सीधे। अब इसमें हम फैन के लिए कनेक्शन दोस्तों मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। ये हो गया हमारा फेस का वायर। ये हो गया हमारा फेस का वायर के नीचे कनेक्ट। ये देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा फेस का वायर, इसको कस देते हैं। और इसके साथ में हम रेगुलेटर का एक वायर इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ये रेगुलेटर का वायर ऐड हो गया। अब दूसरा रेगुलेटर का वायर दोस्तों हमें फैन वाले स्विच में, ऑन ऑफ वाले स्विच में डाल देना नीचे वाले लेग में। इसमें आपके टैप लगाने का काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट मेन फैन का वायर जो फैन बॉक्स आया हुआ है वो हम डायरेक्ट स्विच में डालेंगे। इसमें कई लोग इसमें टैप लगा कर इसमें ज्वाइंट कर लेते उस वायर को, तो हम इसमें टैप लगाने का काम नहीं रख रहे हैं। हम देखिए आप इस लाइन को हमने यहाँ से नहीं जोड़ा है, हमने डायरेक्ट रेगुलेटर को यहाँ पर जोड़ दिया और रेगुलेटर का दूसरा भाग हमने स्विच के नीचे वाले लेग में कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब रेगुलेटर का कनेक्शन आप समझ सकते हो, हमने स्विच में दे दिया और दूसरा लेग हमने मेन लाइन में दे दिया दोस्तों। अब ये सप्लाई रेगुलेटर में जा रही है और रेगुलेटर से घूम के स्विच में आ रही, और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम फैन का वायर जुड़ेंगे ताकि रेगुलेटर चालू होगा तो ये सप्लाई आगे होके पॉइंट में ऊपर जाएगी। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया दोस्तों। अब नीचे वाले स्विच में हमारे जो सॉकेट वाला है उसमें फेस देना है, तो इस वायर को हम डायरेक्ट यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा वायर नीचे वाले सॉकेट वाले में कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आपको जोड़कर दिखाते हैं, लाइव कनेक्शन करके दिखाते हैं और इसको बोर्ड को कैसे कसना है। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे इसमें दो न्यूट्रल फेस है। ये देखिए दोस्तों ये न्यूट्रल फेस है 1.5 mm के। तो हम पहले फेस का वायर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा छीला हुआ है, थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। फेस का वायर हमेशा आपको स्विच के नीचे रखना है। तो ये हमारी फेस की लाइन यहाँ पर जुड़ी हुई, तो हम फेस का वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। पूरा स्क्रू लूज कर दिया है, अब इस वायर को भी हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारी फेस की लाइट क्लियर होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये स्विच के नीचे वाले भाग में हमारा फेस आ रहा है। ये सॉकेट वाला स्विच है, इसके भी नीचे वाले भाग में फेस आ गया। ये हमारी मेन लाइन कनेक्ट हो गई, अब इसको टाइट कस देते हैं। लूज वायर नहीं रहना चाहिए क्योंकि लूज रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा और जल जाएगा स्विच, तो आपको टाइट करना है एकदम। अब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। न्यूट्रल का सिर्फ हमें सॉकेट में लगाना है, बाकी का हमें न्यूट्रल का काम नहीं है, सिर्फ सॉकेट में हमारा न्यूट्रल लगेगा दोस्तों। हम एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, और इसके साथ में हम इंडिकेटर की वायरिंग वायर को भी ऐड कर लेंगे ताकि हम जब भी सॉकेट का
स्विच ऑन करेंगे तो इंडिकेटर भी साथ में लग जाएगा। तो हमने इंडिकेटर के वायर को भी न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब इस वायर को हम सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट हो गया। खींच के देख ले, एकदम हो गया, सही हो गया सर। अब हमारे न्यूट्रल फेस का कनेक्शन हो गया। अब हमारे फैन का वायर है, ये हमने गांठ लगा के निशान लगाया था, तो फैन का वायर हम डायरेक्ट स्विच में जोड़ेंगे दोस्तों। हमने रेगुलेटर की वायरिंग आपको दिखा दी थी। अब हम इस वायर को डायरेक्ट फैन के स्विच के ऊपर वाले भाग में लगा देंगे। तो ये दोस्तों हमने फैन वाले वायर को लगा दिया स्विच में। अब रहे हमारे एक ट्यूबलेट का और एक बल्ब का पॉइंट, तो इसके लिए हमारे ये दो स्विच हैं। इन स्विचों में हम इन वायरों को छील लेते हैं पहले। ये हमारे दो पॉइंट हैं दोस्तों, ट्यूबलेट और एक लट्टू के लिए एक बल्ब लगेगा। तो दोस्तों हम इनको भी स्विच में ऐड कर लेते हैं। नीचे हमारा फेस आ रहा है, यहाँ से फेस आएगा न्यूट्रल हमारा, ऊपर से लूपिंग करके लगा दिया हमने। फिर पॉइंट हमारे यहाँ से निकलेगा, ताकि यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो हमारे ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह जो भी है वो चलेगा। तो हमने बल्ब का वायर ऐड कर दिया, ट्यूबलाइट का वायर ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ट्यूबलाइट का वायर भी ऐड हो चुका है दोस्तों। बस अब हमारी वायरिंग एकदम ओके है, देख लीजिए आप। अब हम इसके जो मॉड्यूल का बॉक्स है, इसके स्क्रू कसेंगे दोस्तों। इसके लिए होल्डो में थोड़ा सा सीमेंट घुसा हुआ है, उनको साफ कर लेंगे, फिर हम स्क्रू कसेंगे। मिस्त्री लोग क्या है कि जब इसको पैक किया था तो सीमेंट इसके साथ में अंदर घुस गया, तो कोई बात नहीं, हम साफ करके इसको स्क्रू को कस देते हैं। तो हम इसके एक स्क्रू को ऊपर से और एक नीचे से वायरिंग अंदर से तरीके से व्यवस्थित सेट करके स्क्रू पटका दे। ये हमारा एक स्क्रू अटक गया है। अब नीचे का एक स्क्रू अंदर देख कर आप सेट कर ले, उसको भी कस लेते हैं दोस्तों। अब हमारे स्क्रू हो गए सेट। अब बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से हम इनको अच्छे तरीके से कस देंगे। और बोर्ड को आपको एकदम सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। टेढ़ा रखोगे तो बेकार लगेगा, इसलिए आपको एकदम सीधा सीध लगा देना इसको। ये देखिए दोस्तों, अंदर थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। बस ये हमारा सीधा हो गया। अब इसकी प्लेट को हम इसके ऊपर नाम देखना है कि सीधी कौन सा है, तो ये हमारा नाम सीधा लगा हुआ है। अब इस प्लेट को हम इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, हम हमारी इस तरह से आप वायरिंग देखकर अपने घर पर अपना कनेक्शन कर सकते हैं। और आप नए नए हैं तो आप हमारे वीडियो को देखकर काम सीख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से हम सामने के और इसके जितने भी रूम हैं उनके कनेक्शनों को हम वायरिंग करके कंप्लीट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। हमने आपको एक व्यवस्थित वीडियो बना के बता दिया है बोर्ड लगा के। तो दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियो को, हम आपको पूरा घर की वायरिंग करके दिखाते हैं दोस्तों। थैंक यू। हमारे इस रूम की न्यूट्रल फेस की लाइन हमारे बोर्ड तक आ चुकी है। अब हमारे पॉइंटों के वायर डालेंगे हम। और इसके पास वाले रूम में भी हमने इस फैन बॉक्स से उस फैन बॉक्स में लाइन डालकर ये पास वाले रूम में निकाल दी है। दोनों रूम सेम है। ये वायर आ गए हमारे बाहर के फैन बॉक्स से अंदर के फैन बॉक्स में। और अब हम ये सामने वाला मॉड्यूल लगा, इसमें से स्प्रिंग डालकर इस वायर को यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ का कनेक्शन पूरा करेंगे। तो हमारी स्प्रिंग डाले ऐसे भी, ये हमारी स्प्रिंग यहाँ से इस बॉक्स में से आएगी बाहर। तो दोस्तों हमारी स्प्रिंग आ चुकी है। अब इस स्प्रिंग में वायर को कनेक्ट करके वापस बोर्ड में खींचेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी स्प्रिंग। हमारे लगभग सारे बोर्ड लग चुके हैं। ये यहाँ पर हमने एलईडी लाइट लगाएंगे छोटी सी और फैन बॉक्स के ऊपर रिंग लगाएंगे। और हमारे यहाँ पर होल्डर और सीलिंग रोज लग रहे हैं।
8 का मॉड्यूल लग चुका है और साथ में एलईडी टीवी के लिए भी हमने प्लग लगा दिया है, इसके पास में ही रखा है। यहाँ पर हमारी एलईडी टीवी लग जाएगी और इसके पास वाले रूम में भी हमने बोर्ड लगा दिया है, ये किचन में भी हमने बोर्ड लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये 12 मॉडल का बोर्ड है और ये हमारा हो गया पावर प्लग। यहाँ पर फ्रिज चला सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं और यहाँ पर हमारे प्लग लग जाएगा। और ये बोर्ड हमारा बाहर फैन का भी यहाँ पर आ गया और लाइट का भी यहाँ पर ये यूज है, लाइट ट्यूबलाइट और प्लग का। तो लगभग हमारे सारे बोर्ड लग चुके हैं, थोड़ा बहुत काम रहा है वो हम कर देंगे। ये सामने वाले किचन का बोर्ड, सामने वाले रूम का बोर्ड इधर आ गया, किचन का अंदर हो गया, पावर प्लग वगैरह बल्ब का। इस रूम में भी ये एक पिन और एक एलईडी के लिए हमने पॉइंट लगाया यहाँ पर स्विच। और इधर भी हमारा 8 मॉडल का बोर्ड लग चुका है और इसके पास में ये टीवी के लिए हमने प्लग लगा दिया है। यहाँ पर एलईडी टीवी सेट हो जाएगी दीवार पर, देखिए दोस्तों। तो कंप्लीट आपको थोड़ा बहुत बाकी काम रहा उसको भी हम पूरा करके आपको लाइट चालू करके दिखाएंगे दोस्तों।